हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजी अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हाउ टू इंस्टॉल अ विजुअल स्टूडियो 2019 इन योर पीसी और लैपटॉप विच हैविंग अ विंडोज 2011। कि बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो 2010 ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब 2010 के बाद हमें कुछ अपग्रेडेशन रिक्वायर है या बाकी की चीजें रिक्वायर्ड है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे टूअर 2019। कि सिंपल 2019 को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर, ओके, आप जिस ब्राउजर से फैमिलियर है उस कोई भी ब्राउजर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है विजुअल स्टूडियो 2019 डाउनलोड। ओके, सिंपल डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इट्स लाइक http://visualstudio.microsoft.com। और एक चीज की, जैसे कि यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज एन आपके पास प्रॉपर एंड फास्टर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके, फास्टर इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी ये अच्छे से वर्क होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स आपको दिखेंगे, कम्युनिटी मॉडल, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइजेस। सो हम यहाँ पे कम्युनिटी मॉडल करेंगे एंड थोड़ा सा स्टेबल वाला वर्जन लेंगे। उसके वजह से अभी करंटली 2022 चालू है बट हमें थोड़ा सा स्टेबल रिक्वायर है। सो हम यहाँ पे जाएंगे ओल्डर वर्जन के पास, तो लास्ट में जाके ओल्डर वर्जन 2000 ओल्डर, इन द सेंस ए नंबर ऑफ डिफरेंट ओल्डर वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा। हर 2 साल के बाद ये वर्जन चेंज होते या अकॉर्डिंग टू डेवलपिंग। सो यहाँ पे 2019 है हमारे पास ओल्डर वर्जन। सो इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है, टू डाउनलोड एनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट क्लिक टू डाउनलोड बटन एंड लॉग विथ अ विजुअल स्टूडियो सब्सक्रिप्शन अकाउंट व्हेन अ प्रमोटेड। If you don't have Visual Studio subscription, you can create one or free Visual Studio Professional 2019, Visual Studio Enterprise 2019, Build Tool for Studio 19 and Visual Studio Team Explorer। एक नंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्जन आपको यहाँ पे एक्सेस करने वाले। ओके, सब्सक्रिप्शन इन द सेंस क्या होगा, नॉर्मली आपको जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट होगी या माइक्रोसॉफ्ट का लॉग इन होगा उतना रिक्वायर्ड होगा फॉर डाउनलोडिंग एंड एक्सेसिंग विजुअल स्टूडियो 19। ये सिंपल आपको जो भी इफ आपके सिस्टम के अंदर आपको ट्रायल वर्जन मिला होगा तो ट्रायल वर्जन को आपको ऑल लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, उस ट्रायल वर्जन को आपको डाउनलोड लॉग इन करना है, साइन अप करना है। सो यहाँ पे मैं साइन अप कर देता हूं। सो मेरा ईमेल एड्रेस है जिसके थ्रू मैं साइन अप कर देता हूँ। आप कोई कांटेक्ट करना होगा फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, तो सेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैं मेरे जीमेल से जाके पासवर्ड ले रहा हूँ, इस टाइप में आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो सिंपल आप इस ओटीपी को आपको कॉपी करना है, नंबर्स को कॉपी करना है, अगेन जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पेज होगा वहां पे जाना है, पेस्ट करना है सिंपल एंड साइन। फॉर सिक्योरिटी रीजन ईच एंड एवरी टाइम न्यू कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा एंड स्टे लॉग इन यस। एंड इसके अकॉर्डिंगली आप आपका ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जीमेल एड्रेस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे। ओके, सिंपल लॉग इन करने के बाद यहाँ पे मुझे मिल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन फॉर डाउनलोडिंग अ वर्जन ऑफ 2019। कि 2019 के डिफरेंट वर्जन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल फॉर स्टैंडर्ड पर्पज हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है 8 मार्च 2012, इन द सेंस आज ही कुछ तो अपडेट्स इसके अंदर आए हैं। सो वी कैन 64 बिट
मल्टी लैंग्वेज, एक से फाइल, ओके, एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। ओके, सो आफ्टर क्लिकिंग डाउनलोड, एक स्मॉल फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी। ओके, स्मॉल इन द सेंस एग्जीक्यूशन फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एग्जीक्यूशन फाइल ओपन करने के बाद जितने भी नंबर्स ऑफ फाइल्स रिक्वायर्ड होंगे सभी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होंगे। सो क्लिक ऑन ओपन और एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूशन फाइल जो डाउनलोड किया है। तो क्लिक ऑन यस। सो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर और कंटिन्यू। बिफोर यू गेट स्टार्टेड वी नीड टू सेटअप a few things so you can configure and installation continue। okay, so जो भी numbers of files required होंगे, setup required होंगे, सभी चीजें अपने आप Visual Studio downloader या installer यहाँ पे install कर लेगा। okay, specifically एक process के लिए आपको internet connection and थोड़ा सा patience required। okay, क्योंकि ये थोड़ा सा lengthy process है, time consuming process है, इसके अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट होगा। फाइल डाउनलोड, वेरीफाई एंड इंस्टॉल, इन नंबर्स ऑफ स्टेप्स इसके अंदर होने वाले हैं। ऑलमोस्ट डन गेटिंग एवरीथिंग रेडी। ओके, इस सिस्टम फ्री है, फास्ट वर्क होता है, इसके लिए जल्दी हो गया। इफ आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो होगा तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। देख नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉलर कम्युनिटी वर्जन आ गया। देख आप अपने को जैसे लाइक कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर है। फर्स्ट फॉर हमें वेब डेवलप करना है। ओके, तो फॉर स्टेप बाय स्टेप आप डाउनलोड कर सकते हो या एक ही साथ जितने भी रिक्वायर्ड होंगे सभी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वेब डेवलप के लिए हम डाउनलोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट। देन इफ आपको एजुअल डेवलपमेंट रिक्वायर होगा तो आप एजुअल डेवलपमेंट ले सकते हो। पाइथन चाहिए होगा, पाइथन ले सकते हो। नोड जेएस इन द सेंस एंगुलर जेएस आपको करना है तो वो भी आपको यहाँ पे रिक्वायर है। बट बेसिकली हम वन बाय वन करेंगे तो इससे हमारा सिस्टम स्लो डाउन नहीं होगा। जितनी चीजें रिक्वायर है उतनी आप यहाँ पे डाउनलोड करो, प्रोसेस करो। तो यहाँ पे एक सिंगल चीज हमें रिक्वायर है एंड देन .NET क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि आपको जो राइट साइड होगा राइट साइड के अंदर चीजें पता चल जाएगी। क्लाउड टूल्स फॉर वेब, .NET प्रोफाइलिंग टूल, वेब डेवलपमेंट, लाइव शेयरिंग, ML .NET मॉडल बिल्डर एंड .NET बिल्डिंग डिबगिंग विथ एन WSL एंड इंटेलिजेंट कोड। इसके लिए आपको 9 GB तक स्पेस रिक्वायर होगा। कि जितने आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पेस पता चल जाएगा कि कितना स्पेस आपको रिक्वायर है। जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा उतना स्पेस आपको डाउनलोड करने के लिए लगने वाले। तो उस डाउनलोडिंग प्रोसेस के लिए इंटरनेट हेवी रिक्वायर्ड है। राइट साइड में आपको यहाँ पे इंस्टॉल के दो ऑप्शन है, डाउनलोड ऑल एंड देन इंस्टॉल। तो हम सेकेंड वाला ऑप्शन करेंगे बिकॉज ऑफ इफ कोई भी इंटरप्ट की वजह से मेरा इंटरनेट स्लो डाउन हो गया सो इंस्टॉलेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट डाउनलोड ऑल थिंग एंड देन इंस्टॉल। सो देखते कि बाय डिफॉल्ट 9 GB रिक्वायर्ड है उसको। सो क्लिक टू इंस्टॉल। ओके, क्लिक इंस्टॉल करने के बाद ये थोड़ा सा अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि वो 9 GB टोटली डाउनलोड करेगा एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इफ यहाँ पे देखो कि जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो 2010 डाउनलोड है तो उसके अकॉर्डिंगली कि जितने भी नंबर्स ऑफ फाइल्स पैकेजेस उसको फुलफिल हो रहे कि वो फाइल को क्या करेगा यहाँ पे स्किप कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सिस्टम के अंदर जैसे कि 2.34 इन द सेंस 2.5 GB तक ही वो क्या करने वाला है, डाउनलोड करने वाला है
एंड देख सकते हैं कि इंटरनेट स्पीड भी अच्छा खासा है, 3 MB/s, तो उसके अकॉर्डिंगली या 2 MB/s जो भी है, कि उसके अकॉर्डिंगली जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इस टेक ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes अकॉर्डिंग टू इंटरनेट स्पीड, ये वैरी कर सकता है, या आपके सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर भी ये वैरी कर सकता है। इफ आपका सिस्टम फास्ट हो, अच्छे से वर्क हो रहा होगा, तो ये जल्दी से हो जाएगा। और एक चीज याद ध्यान रखो कि जब भी आप कोई भी हेवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या इंस्टॉल करते हो, आपके सिस्टम की बैटरी अच्छी खासी होनी चाहिए। के पीसी के लिए बात है तो पीसी को पावर सप्लाई तो ऑलरेडी होता है, इफ आप लैपटॉप पे कर रहे होगा तो लैपटॉप की जो भी चार्जिंग होगी ऑलमोस्ट 40 to 50 के अबाव होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट 40 है तो कुछ इशू नहीं, इन द सेंस मेरा 40 इन द सेंस अभी तक 1 or 2 hours और ऑलमोस्ट चल जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंगली आप भी आपके सिस्टम को रेडी रखूँ। ये थ्रू वाईफाई डाउनलोड हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम स्किप कर देंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम यहाँ पे जो रिलीज नोट है उसके ऊपर देखते हैं, इन रिलीज नोट क्या दिए उन्होंने कि क्या कौन कौन से इशू उन्होंने फिक्स किए, जैसे कि रिमोट डिबगिंग का कुछ इशू था इन एजुअल ऐप या इम्प्रूव परफॉर्मेंस और फ्रेश रेट मॉनिटर, तो या नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो भी चेंजेस यहाँ पे किए सभी आपको रिलीज नोट के अंदर मिलेंगे। जैसे कि जितने भी नंबर्स ऑफ चेंजेस या अपडेशन आपके सिस्टम के अंदर होंगे डेली बेसिस के ऊपर, सभी के सभी इंफॉर्मेशन आपको रिलीज नोट के अंदर मिल जाएगी। अभी जो जैसे कि जो नया माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है उसके अंदर आप देख सकते हो कि कितने भी चेंजेस होंगे, कि हर एक का लॉग मेंटेन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आप जैसे कि सेकेंड वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ आपके सिस्टम के अंदर के इंस्टॉल हो रहा है डाउनलोड इंस्टॉल सभी नहीं सॉरी अवेलेबल इन द सेंस कि ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज के आप प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज 19 एंड विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल। तो 19 इंटरप्राइज यूज फॉर अ स्केलेबल एंड एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर अ टीम ऑफ एनी साइज, कितने भी नंबर्स ऑफ साइज की बड़ी टीम हो सबको हम एक साथ विजुअल स्टूडियो इंटरप्राइज के अंदर कंसिडर कर सकते हो, या जो भी प्रोडक्ट है आपका आप बना सकते हो। एंड जैसे कि विजुअल प्रोफेशनल 19 इन द सेंस प्रोफेशनली आईडीई, ओके, जो भी इंटरप्राइज होगा या इंटरफेस होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंटरफेस बेस्ट सुटेड फॉर अ स्मॉल टीम, की जो स्मॉल टीम होगी उसके लिए, एंड जो कम्युनिटी है वो क्या होती है एवरेज है, जैसे कि वो लार्ज टीम भी नहीं स्मॉल टीम भी नहीं, मीडियम साइज की जो भी टीम होगी या जो भी मीडियम स्केल होगा उस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे कम्युनिटी वर्जन यूज करेंगे। तो इफ आपको जो भी आपके अकॉर्डिंगली अच्छा लगे तीनों वर्जन में से आप कोई भी वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डेटाबेस अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वेट फॉर सम टाइम।
जिसलिए कि थोड़ा सा हम रीड करते हैं जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है कि गेटिंग स्टार्टेड विद आईडी टू डेवलप एनी टाइप ऑफ लर्न लैंग्वेज विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बियॉन्ड अ कोड एंड विजुअल स्टूडियो ब्रिंग टुगेदर ग्राफिकल डिजाइनर कंपाइलर कोड कंप्लीशन टूल्स सोर्स कंट्रोलर एक्सटेंशन एंड मेनी मोर फीचर्स दैट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टीम. सो अकॉर्डिंग टू जस्ट लाइक जो भी ट्यूटोरियल इफ आपको रिक्वायर्ड होगा इन विजुअल स्टूडियो सो माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी बाय डिफॉल्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे प्रोवाइड किए कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजें कर सकते हो कि जैसे कि वेब डेवलपमेंट होगा डेस्कटॉप डेवलपमेंट इन डॉट नेट कोर वेब डेवलपमेंट एस पी डॉट नेट कोर गेम डेवलपमेंट यूजिंग इन यूटिलिटी मशीन लर्निंग विथ ML मशीन लर्निंग डॉट नेट जैसे कि जितने भी नंबर्स ऑफ ट्यूटोरियल हो गए इन 10 मिनट्स C++ डेस्कटॉप ऐप एंड्रॉयड OS गेम डेवलपमेंट यूजिंग अ C++ जैसे कि गेम्स या कोई ऐप पाइथन डेटा साइंस एंड एनालिटिक वेब एप्लीकेशन डेस्कटॉप ऐप जावास्क्रिप्ट एंड स्टाइप्स वेब एप्लीकेशन Node.js Angular.js जैसे कि आपने देखा होगा वेब डेवलपमेंट एंड विद एन Node.js टूल React with the UI के इन नंबर्स ऑफ चीजें या नंबर्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स यूजिंग एन विजुअल स्टूडियो 19 या विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट वर्जन जो भी सबके साथ हम यूज कर सकते हैं बिल्ड रिपर्स डेवलप बिल्ड वर्जन कंट्रोल डिप्लॉय एक्सटेंड डेटा डिबगिंग कोलैबोरेशन एंड डेवऑप्स. Okay. For develop is write and manage your code using a code editor. Build, compile and build a source code. Version control, sharing a code using a source control technology such as Git and TFVC. इसलिए कि different numbers of versions के code हम यहाँ पे एक साथ use कर सकते हैं या एक ही version के अंदर उसको convert कर सकते हैं. Then deploy. Share your app and code using a web development, install Shield and NoGet, continue integrated and many more. Then extend, add your functionality to the Visual Studio IDE and improve the development experience. कि आपको extend कर सकते हो आप plugins वगैरह add कर सकते हो and जो आपका interface होगा उसका experience यहाँ पे increase कर सकते हो. Then next, the data, create a data apps that connect to any database or services and anywhere a local or cloud. जो भी आपका database होगा या कोई भी type का database आप यहाँ पे use कर सकते हो from local system to any cloud. Then next, that is a debug, write and manage your code using a code editor. जैसे debugging कर सकते हैं मैनेज कर सकते कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन शेयर एडिट डिबग कोड एंड कोलैबोरेटिंग अ रियल टाइम मैनेजमेंट. रियल टाइम में आप क्या कर सकते हो मल्टीपल्स यूजर के साथ जैसे टीम के साथ इसको कोलैबोरेशन का जो ऑप्शन है वो परफॉर्म कर सकते हो. देन डेवऑप्स डेवलपमेंट द कंटिन्यूसली बिल्ड एंड रिलीज यूअर ऐप इन क्लाउड एंड इम्प्लीमेंट practices with an Azure DevOps services. लेकिन continuously जितने भी numbers of आपको application build करने हैं implement करने हैं सभी के सभी आप यहाँ पे कर सकते हो. Okay, more information के लिए आप simply इस tab को open कर सकते हो. इस सभी numbers of tab को open करके आपको पूरी information यहाँ पे मिल जाएगी. तो कितना downloading हुआ check करते हैं. It almost takes download 1.25 GB and this required a download same 1.30 at 1.20 GB. This take time is same time इसको required है. So again check the battery status 28 जैसे कि आप देख सकते हो 40%
था जैसे हमने स्टार्ट किया था, अभी 28 हो गया, सो इसको पावर ऑन कर देते, जो प्लग इन कर देते। इफ आपको लग रहा होगा कि आपका इंटरनेट खत्म हो गया है, आपको ये प्रोसेस बाद में करनी है, तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वाले ने ऑप्शन दिया, जैसे कि यहाँ पे पॉज बटन दिया है, ओके? तो आप आपको इसको पॉज भी कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम जब आपके पास इंटरनेट आ जाएगा तभी आप इसको पॉज को रिज्यूम कर सकते हैं, एंड अगेन जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है कंटिन्यूसली हो जाएगी। जैसे कि किसी के सिस्टम के अंदर या किसी ने मोबाइल डेटा से डाउनलोडिंग कर रहा होगा, तो मतलब कि 1.5 GB आपको पर डे जो डेटा है मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 1 GB तो अपने आपके यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए यूज कर लिया, अगेन नेक्स्ट डे 1 GB एंड थर्ड डे आप 1 GB करके जो हाफ जीबी तो करके आप 2.5 GB 3 दिन के अंदर कर सकते हो। या इफ आपके पास वाईफाई होगा तो ऑब्वियसली आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो एक बेस्ट फीचर्स लगता है मुझे इसमें से कि आप इसको पॉज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कोई भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपके विंडोज के अपडेट्स जैसे कि होते हैं बैकग्राउंड में, कि जिस तरह से आपके सिस्टम को इंटरनेट प्रोवाइड होता है कि ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वर्जन्स जो अपडेशन होते हैं डाउनलोड होते हैं, तो सिमिलर ये भी जैसे कि जैसे इंटरनेट पे आप इसको मिल जाएगा, ये जहाँ पे रुका था वहां से उसका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाउनलोड यहाँ पे देख सकते हैं आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद जितने भी नंबर्स ऑफ पैकेज यहाँ पे अनपैक होके इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। okay, अभी इसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था फर्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ये सब पूरा पैकेज या जितने भी नंबर्स ऑफ पैकेज हमें रिक्वायर थे सभी के सभी पैकेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं एंड इंस्टॉलेशन हो रहे। तो आप यहाँ पे वन बाय वन देख सकते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे, जैसे कि 440 पैकेजेस आउट ऑफ दैट, जैसे कि ऑलमोस्ट 200 पैकेज इंस्टॉल हो गए। इस टेक फास्टर इफ टाइम थोड़ा सा लेगा आपका अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, इट टाइम लेके इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि मेरा लैपटॉप न्यू है, जैसे एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, जैसे स्पेस कंज्यूम नहीं किया, इसके लिए फास्ट वर्क हो रहा है। इफ आपके सिस्टम स्लो हो रहा है सो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज भी यहाँ पे शो हो रहा है कितने परसेंट हुआ, अकॉर्डिंग टू पैकेजेस कितने पैकेजेस में इंस्टॉल हुए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेज नेम कि कौन से पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे। तो माइक्रोसॉफ्ट .visualstudio.javascript.adapters, ओके, इसलिए क्रोम एडेप्टर, एज एडेप्टर्स या नंबर्स ऑफ एडेप्टर्स के यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे। जैसे कि वन बाय वन आप रीड कर सकते हो आपके नॉलेज पर्पज के लिए कि कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे, क्या उसका रीजन है, क्या पर्पज है। वन बाय वन हम हमारे वीडियोस के अंदर सभी चीजें देखने वाले हैं, केस टेक अ टाइम बट देखेंगे जरूर।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि इफ आपको कोई भी वीडियो रिक्वायर्ड होगी कि जैसे कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कोई सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग, कोई प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग, कोई प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, कि आप फ्रीली मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हो। या जैसे कि आपने देखा होगा मेरा जो ईमेल आईडी है कि वहां पे भी आप मुझे पिन कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल करें एंड वो वीडियो आपको प्रोवाइड करें। तो ये तो हो जाएगा, जैसे कि ऑलमोस्ट हो गया है 440 पैकेजेस ऑलमोस्ट डन, 86% 87 के पैकेज आर इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली। एक पैकेज लास्ट वाला बाकी है 414.99 एंड माइट बी टेकिंग अ टाइम, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ओके सो 99 फिनिश अप हो रहा है, कवर कर रहा है सभी जितने भी नंबर ऑफ पैकेज इंस्टॉल किए, सबको यहाँ पे बाइंड करेगा, फिनिश करेगा एंड उसके बाद आपको जो विजुअल स्टूडियो का पॉपअप होगा वो पॉपअप दिखाई देगा, जिसलिए कि लोडिंग स्क्रीन होती है ना, कि जो जब भी हम कोई भी विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं सो आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो सेम सो साइन इन मे बी लेटर, जैसे कि ये जो साइन इन का प्रोसेस होगा दैट इज आवर एग्रीमेंट बोल सकते हो या सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो। सो इसके को हम देखेंगे कि बाद में देखते हैं कि किस तरह से आप साइन इन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट सब्सक्रिप्शन आगे आपको 1 month ट्रायल वर्जन देगा। सो इस बाद में करेंगे, नॉट नाउ मे बी लेटर। सो नेक्स्ट क्या आपको कौन से पर्पज के लिए करना है, सो जनरल पर्पज ही यूज करेंगे एंड आपके अकॉर्डिंगली आपको कौन सी वर्जन थीम रिक्वायर्ड है, कि डार्क है, ब्लू है, ब्लू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट या लाइट। ओके अपने को तो मुझे तो लाइट ही चलेगा, सो लाइट वर्जन स्टार्ट विजुअल स्टूडियो, इट्स टेक टाइम, फर्स्ट टाइम हो रहे, सो जितने भी पैरामीटर्स होंगे फर्स्ट टाइम यूज होने वाले, सो वो सभी के सभी यहाँ पे दिखाई देगा। ओके सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका विजुअल स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इफ आपको कोई भी क्वेरी, डाउट, सजेशन या आपके अकॉर्डिंगली कोई वीडियो रिक्वायर्ड होगी सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ओके अगेन इफ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। Okay, again, thank you for watching this video.